अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम ऑलरेडी एक लिल पीप के फैन हो और उसके बारे में पहले से ही काफी कुछ जानते हो। लेकिन उसके बाद भी तुम्हें इस वीडियो में काफी सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो तुम पहले से उसके बारे में नहीं जानते होगे। और अगर तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते तब भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें रैपर्स में इंटरेस्ट होगा, तभी तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो अगर तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो तुम इस वीडियो के बाद उसके बारे में सब कुछ जान जाओगे। लिल पीप का रियल नेम है गस्टव एलिजा आर। वो पैदा हुआ था 1 नवंबर 1996 पेंसिल्वेनिया एलनटाउन शहर में। उसकी मदर का नाम है लाइजा वोमेक जो कि एक फर्स्ट ग्रेड टीचर है और उसके डैड का नाम है जॉन आर जो कि एक कॉलेज प्रोफेसर और इकोनॉमिस्ट हैं। इसके अलावा उसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है ऑस्कर और उसके पेरेंट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं जो कि वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। पहले तो लिल पीप पेंसिल्वेनिया एलनटाउन शहर में रहता था, लेकिन जब वो 5 साल का हुआ तो उसकी फैमिली लॉन्ग आइलैंड में शिफ्ट हो गई। उसके बाद उसने लिंडन एलिमेंट्री स्कूल में जाना शुरू करा जो कि उसकी मदर के अपार्टमेंट के पास ही था। इसके 2 दिन बाद जो 9/11 वाला अटैक हुआ था वो लिल पीप के क्लासरूम के इतना पास हुआ कि उसकी क्लास की विंडो से दिख भी रहा था। लेकिन फन फैक्ट तो ये है कि उस टाइम पे वो लिल पीप नहीं था बल्कि गस था। उसकी फैमिली ने उसको निकनेम दे रखा है गस। गस भी शुरुआत में बाकी बच्चों की तरह ही था, वो खेलता कूदता रहता था और कार्टून्स देखता रहता था, और तो और वो काफी ज्यादा एंथुसियास्टिक भी था। उसके बाद उसने बैले डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली और वो वहाँ पे जाने लगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसने वो डांस क्लासेस छोड़ दी क्योंकि वहाँ पे सभी लड़कियाँ थी और वो उसे चिढ़ाती रहती थी। उसके बाद जब वो 3rd grade में आया तो वो एक फ्यूनरल के दौरान एमा से मिला। उसके बाद एमा उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई और जब भी एमा किसी लड़के को डेट करती थी तो गस उसका मजाक उड़ाता था। कुछ टाइम बाद गस और एमा दोनों रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन उस टाइम पे ये रिलेशनशिप कुछ खास नहीं था और एमा को तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये दोनों रिलेशनशिप में भी हैं। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ये दोनों एक पार्टी में गए जहां पे गस ने सबके सामने एमा को किस कर दिया और वहां पे एमा को पता चला कि हां ये दोनों रियल रिलेशनशिप में हैं। इसके अलावा एमा ने ये भी बताया कि जब भी गस रिकॉर्डिंग करता था तो वो उसको कमरे से बाहर निकाल देता था क्योंकि उसको एमा के सामने रिकॉर्डिंग करने में शर्म आती थी और वो एमा से कहता था कि वो तब तक उसके सामने रिकॉर्डिंग नहीं करेगा जब तक वो फेमस ना हो जाए। जिसके बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगी और वो वाकई में फेमस होने लग गया। उसके सोशल मीडिया अकाउंट ग्रो होने लग गए और लड़कियां आके उसकी फोटो पे कमेंट करने लग गई। और तो और एमा ने तो ये भी बताया था कि लिल पीप 2 हफ्तों तक सेम जींस पहन के रखता था, जिसका रेफरेंस उसने अपने गाने लिल जीप में भी दिया है। इसके कुछ टाइम बाद जब साल 2012 आया तो उसके पेरेंट्स अलग अलग हो गए, मतलब उन लोगों का डिवोर्स हो गया। यही वो टाइम था जहां से गस की लाइफ फ्लिप हो गई और वो एक्सपीरियंस करने लगा डिप्रेशन और एंजाइटी। पहले तो उसकी मदर ने उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाने की कोशिश करी, लेकिन उसका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि गस ने तब तक खुद को सेल्फ मेडिकेट करना शुरू कर दिया था। वो मैरुआना, जेनेक्स और कोकेन जैसी चीजें लेने लगा था। और तो और अगर तुमने उसके कुछ इंटरव्यूज देखे हैं तो तुम्हें पता होगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी मदर है और 14 साल की उम्र में उसने पहली बार अपनी मॉम के इनिशियल्स का टैटू बनवाया था अपने हाथ पे ताकि वो उसके ऊपर नाराज ना हो। जब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तो ऑस्कर और गस लाइजा के साथ ही रह गए और उसके डैड चले गए। इसके बाद गस मिडिल स्कूल में आ गया और उसने ट्रॉम्बोन और ट्यूबा बजाना शुरू कर दिया जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इससे पता चलता है कि उसे काफी यंग एज से म्यूजिक में इंटरेस्ट था। इस टाइम तक गस लॉन्ग बीच हाई स्कूल में जाता था, लेकिन जब 2012 में सुनामी आई तो इस वजह से कुछ हफ्तों के लिए स्कूल बंद हो गया। कुछ हफ्तों बाद जब गस स्कूल में वापस आया तो उसने डिसाइड करा कि अब वो हाई स्कूल ड्रॉप आउट कर देगा। लेकिन तब उसकी एक टीचर मारिया हर्टमैन ने उसे समझाया और बाकी 2 टीचर्स की हेल्प की मदद से उसने हाई स्कूल कंप्लीट करा और इन 3 टीचर्स पे गस काफी ज्यादा बिलीव करता था, या तुम कह लो कि ये लोग उसके फेवरेट थे। उसने अपना हाई स्कूल कोर्सेज की मदद से पूरा करा था जो कि था इंग्लिश और सोशल स्टडीज। इसके बाद साल 2014 शुरू हुआ और ये वो टाइम था जब गस को म्यूजिक में पूरी तरह से इंटरेस्ट आ चुका था और वो रैपर बनने के सपने देखने लगा। इसके बाद उसने इंटरनेट पे बीट्स ढूंढनी शुरू करी जहाँ पे उसको एक बीट मिली जो कि स्मोक एसक ने बनाई थी। अगर तुम गस को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा कि इसने गस की कम ओवर वेन योर सोबर एल्बम भी प्रोड्यूस करी है। स्मोक एसक एक प्रोड्यूसर है जो कि वर्जीनिया से था। उस टाइम तक स्मोक एसक को कोई नहीं जानता था और उसकी पहली बीट थी जो गस ने खरीदी थी। देन गस ने खुद का पहला गाना बनाया जिसका नाम था डाउन डाउन डाउन। इसके बाद उसने कुछ और गाने बनाए जैसे द गॉट जो कि काफी अच्छा गाना है, और उसके बाद 2014 के एंड में उसने कीप माई कूल भी बनाया जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। इस टाइम तक गस काफी ज्यादा खुश था क्योंकि फाइनली उसने म्यूजिक के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। और तो और वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रूम में बैठ के स्मोकिंग भी करता था, लेकिन उसकी मदर ने उसको इसके लिए कभी नहीं रोका क्योंकि वो हमेशा से उसको सपोर्ट करती आई है। और अगर लाइजा की माने तो जब भी वो सुबह रूम में आती थी तो वो देखती थी कि गस काम कर रहा है। वो पूरे दिन सोता था और रात में काम करता था अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। 2015 की शुरुआत में उसने 4 ऑनलाइन कोर्सेज लिए जिसमें से 2 थे बिजनेस क्लास
क्लासेस, एक था क्रिमिनल जस्टिस और एक हिस्ट्री का था। और इन कोर्सेज के अंदर उसको 3 सब्जेक्ट में ए मिला और एक में बी मिला। और उसके पीछे का रीजन थी लाइजा, क्योंकि इस कोर्स के अंदर उसको वीक में एक ही एसे लिखना होता था जो कि लाइजा लिखती थी। इसके बाद 2015 शुरू हुआ, जहां पे गस ने दूसरे आर्टिस्ट के साथ कोलैब करना शुरू कर दिया। और 16 मई 2015 को उसने फील्स रिलीज करी, जो कि स्टार्टिंग डेज में उसका एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट था। उसके बाद उसने कुछ और भी प्रोजेक्ट रिलीज करे, जैसे इन द बेडरूम, आई कन्फेस और गार्डन। और इनके अंदर ज्यादातर उसने रैपिंग करी है। अगर तुम गस का म्यूजिक सुनते हुए आ रहे हो तो तुम्हें हो सकता है एक चीज की कंफ्यूजन होगी कि वो रैपर है या सिंगर है। तो अगर अभी तक की उसकी जर्नी तुम देखोगे तो ज्यादातर गानों में उसने रैपिंग करी है, लेकिन गस रैपिंग के साथ ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाया। और 18 सितंबर 2015 को उसने अपनी लिल पीप पार्ट 1 रिलीज करी, जिसमें उसकी सबसे ज्यादा हेल्प करी थी ग्रीफ ने। इस प्रोजेक्ट को मैं काफी अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई सिंगर या रैपर बनने की कोशिश करता है तो उसको खुद के लिए एक परफेक्ट जॉनर और साउंड को फाइंड करना पड़ता है, जिसमें वो लॉन्ग टर्म के लिए गाने गा सके। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो जस्टिन बीबर एक पॉप सिंगर है और उसने अपने साउंड को फाइंड कर रखा है, लेकिन वहीं अगर वो उसकी जगह रैपिंग करने लग गया तो लोग शायद उसको उतना पसंद ना करें, क्योंकि पॉप म्यूजिक उसकी आवाज के हिसाब से सूट करता है। एंड एज अ फैन बॉय, जहां तक मुझे लगता है कि लिल पीप ने पार्ट 1 में अपने साउंड को कम्प्लीटली फाइंड कर लिया था। वैसे तो इसके सारे ही गाने मुझे काफी पसंद है, लेकिन एक मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, द वे आई सी थिंग्स। वो गाना काफी अच्छा है। इस पूरी मिक्स टेप के जो लिरिक्स हैं वो बेसिकली डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल थॉट से रिलेटेड हैं। और अगर तुम एक गाना सुनोगे अनदर सॉन्ग, तो उसमें इंट्रो ही कर्ट कोबेन का ले रखा है, जो कि उसके एक इंटरव्यू से उठाया है। इसके बाद उसने अपने कुछ और प्रोजेक्ट रिलीज करे, जैसे मॉल म्यूजिक और रोमियोज रिग्रेट, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये ज्यादा चले नहीं। उसके बाद 2 दिसंबर 2015 को लिव फॉरएवर रिलीज हुई। एंड जितना मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टडी करा है इंटरनेट पे और अकॉर्डिंग टू लिल पीप, ये उसका बेस्ट प्रोजेक्ट था। और तो और गस तो ये भी कहता है कि ये पार्ट 1 से भी ज्यादा अच्छी है। इसके अंदर भी काफी अच्छे अच्छे गाने थे, जैसे इट्स मी, पिक मी अप और लिव फॉरएवर। और लिव फॉरएवर की तो म्यूजिक वीडियो भी है, जिसे एमा ने शूट करा है। उसके बाद वर्टिगो भी रिलीज हुई, जो कि उस टाइम पे लिव फॉरएवर जितनी तो नहीं चली, लेकिन इसके अंदर गाने काफी अच्छे थे। उसके बाद गस ने डिसाइड कर लिया कि अब वो और ज्यादा स्टडी नहीं करेगा और वो ड्रॉप आउट कर देगा, और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। और 2015 के एंड में वो लाइव परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार होने लगा। इसी बीच उसने एक हिप हॉप ग्रुप भी ज्वाइन करा था, जिसका नाम है स्कीमा पोशी, जिसमें जे ग्रीन, लिल पीप और गोस्टमैन जैसे लोग थे। इसके बाद जब गस 18 साल का हुआ तो उसने अपने फेस के ऊपर पहला टैटू बनवाया, जो कि उसकी लेफ्ट आई के नीचे है और वो है ब्रोकन हार्ट। और उसने ये ब्रोकन हार्ट टैटू इसलिए बनवाया था ताकि उसको ज्यादा जॉब ना मिले, और अगर उसे जॉब नहीं मिलेगी तो उसे फोर्सफुली म्यूजिक पे ही काम करना पड़ेगा। इसके बाद 16 जनवरी 2016 को उसने अपना एक और प्रोजेक्ट रिलीज करा, जिसका नाम है कैलिफोर्निया गर्ल्स। कैलिफोर्निया गर्ल्स के अंदर भी काफी अच्छे अच्छे गाने थे, जैसे बीमर बॉय, लेट मी ब्लीड और प्रे आई डाई। और तो और बीमर बॉय तो उस टाइम पे काफी ज्यादा ब्लो अप भी हो गया था, जिसके बाद गस ने डिसाइड करा कि अब वो लॉस एंजलिस में मूव हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग आइलैंड में वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहता था। इसके बाद 13 फरवरी 2016 को उसने अपनी लाइफ में पहली बार लाइव शो करा, जो कि टूसोन एरिजोना में था। और इस जगह का नाम याद रखना, क्योंकि आगे ये तुम्हारे काम आएगा। इस शो को ऑर्गेनाइज करवाया था बॉम्बे नॉक्स ने। ये शो स्पेशली उन लोगों के लिए था जो अंडरग्राउंड म्यूजिक को पसंद करते हैं। और तो और यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटी 30 लोगों की ही थी। एंड स्पेशली यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए गस ने अपने हेयर को पिंक कर लिया था। नर्वस तो वो पहले से ही हो रहा था, और तो और उसका उल्टी करने का भी मन कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने प्रे आई डाई और लिल कैनेडी गाना भी यहाँ पे गाया था। एंड जब उसने लेट मी ब्लीड गाना गाना शुरू करा तो वो बीच में ही रुक गया, क्योंकि वो काफी ज्यादा ही नर्वस था। लेकिन फिर वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो उसके लिए उस गाने के लिरिक्स गाने लग गए, उसको सपोर्ट करने के लिए, जिसके बाद गस ने वो शो पूरा करा। अपना पहला शो करने के एक हफ्ते बाद गस ने अपना दूसरा शो भी करा, जो कि ओकलैंड कैलिफोर्निया में था और एक बेसमेंट के अंदर था। यहाँ पे जे ग्रीन, किल स्टेशन और ब्रेन एंड सेवेज भी थे। वहाँ पे जो ज्यादातर गाने चल रहे थे, क्राउड को ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही बीमर बॉय चलने लगा तो सब चिल्लाने लग गए। अंडरग्राउंड म्यूजिक सुनने वालों को वो गाना काफी पसंद आने लगा था। अपना दूसरा शो करने के बाद लिल पीप ने अपना एक और प्रोजेक्ट रिलीज करा, जिसका नाम था डेड ड्रोक, लेकिन सच बताऊं तो उस टाइम पे ये भी नहीं चला। उसके बाद 4 मार्च 2016 को गस ने डेनवर कोलोराडो में परफॉर्म किया, जहां पे जे ग्रीन, यंग गॉथ और गोस्टमैन भी थे। एंड इस शो को कंसीडर किया जाता है स्कीमा पोजी का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शो, क्योंकि यहां पे लोग तो काफी कम आए थे, लेकिन जितने भी आए थे उन्होंने काफी एंजॉय किया था। स्पेशली लोग गस को लेके इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि जब वो परफॉर्म कर रहा था तो डीजे ने जिस टेबल के ऊपर अपना सेटअप लगा रखा था वो टेबल भी टूट गया था, जिस वजह से डीजे को हाथ में लैपटॉप पकड़ के गाने चलाने पड़ रहे थे। एंड इसके अलावा गस ने यहाँ पे एक और सॉन्ग परफॉर्म करा था, जिसका नाम है वर्ड्स यू हियर ऑन अ सिंकिंग शिप, जो कि उसका वन ऑफ द बेस्ट रैप सॉन्ग है। इसके अलावा जो तुम ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेन टू द स्काई की म्यूजिक वीडियो देखते हो वो भी यहीं पे शूट हुई थी। इसके बाद 18 मई 2016 को गस ने अपने यूट्यूब चैनल पे अपना पहला गाना
गाना रिलीज करा जिसमें फीचर आर्टिस्ट था यंग ब्रा एके लिल ट्रेसी और इस म्यूजिक वीडियो का नाम था व्हाइट टी। गस तो पहले से ही लिल ट्रेसी का फैन था और ट्रेसी भी उसको जानता था क्योंकि जब 2016 में कैलिफोर्निया गर्ल्स ईपी रिलीज हुई थी तो उसमें एक गाना था बीट इट जिसमें गस ने ट्रेसी को भी शाउट आउट दिया था। इस म्यूजिक वीडियो को शूट करा था किल स्टेशन ने और वो भी एक सिंगर है। इसके बाद मई 2016 में ही उसने एक और प्रोजेक्ट रिलीज करा था जिसका नाम था चेंजेस, लेकिन इसका भी उसके फैंस के ऊपर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फिर इसके पूरे 10 दिन बाद 10 जून 2016 को गस ने अपनी एक और मिक्स टेप रिलीज करी जिसका नाम था क्राई बेबी, जिसका आइकॉनिक टैटू उसने अपने फोरहेड पे भी बनवा रखा है। इसके अंदर गाने थे जैसे क्राई बेबी, एब्सोल्यूट इन डाउट विका फेस के साथ, ड्राइव वे और फॉलिंग। इसके अलावा एक और गाना भी था जिसका नाम है येस्टरडे, जिसमें उसने ओसिस के एक सॉन्ग वंडरवॉल का सैंपल यूज करा है। और तो और अगर तुम हिप हॉप सुनते हो तो तुमने सिटी मॉर्क का नाम जरूर सुना होगा। ये भी स्कीमा पोसी की तरह एक रैप ग्रुप है और जो इसका मेन बंदा है उसका नाम है जिला कामी। एंड जिला कामी ने जब इंटरव्यू दिया तो उसने उसमें बताया कि क्राई बेबी मिक्स टेप उसने जिसको भी सुनाई थी वो बस यही कह रहा था कि ये प्रोजेक्ट तो काफी अच्छा है और इसके लिरिक्स भी काफी रिलेटेबल हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सैड है, जिससे ये पता चलता है कि गस उस टाइम पे ब्लो अप होने लग गया था। फिर उसके बाद उसके और प्रोजेक्ट रिलीज हुए जैसे टीन रोमांस और कैसल। कैसल के अंदर तीन गाने थे जिनमें तीनों में फीचर था लिल ट्रेसी, जिसमें से पेन, कैसल और व्हाइट वाइन। एंड अगेन बीमर बॉय की तरह व्हाइट वाइन भी ब्लो अप हो गया। इसके बाद अगस्त 2016 को गस को एक डील ऑफर हुई एंड ऑफर करने वाली कंपनी थी फर्स्ट एक्सेस एंटरटेनमेंट, जो कि उसको 3 सालों के लिए साइन करने वाले थे। अगर गस की माने तो उसका कहना ये था कि इस डील के लिए उसको प्रेशराइज्ड करा जा रहा है, जिस वजह से परेशान होकर उसने अपनी मदर लाइजा को फोन करा और इस बारे में बताया और ये भी कहा कि ये लोग उसको काफी सारे पैसे ऑफर कर रहे हैं। एंड इसके रिस्पांस में बाद में लाइजा ने कहा कि गस उस टाइम पे एक टीनेजर था और उसको पता नहीं था कि म्यूजिक इंडस्ट्री का बिजनेस कैसे काम करता है। इसके अलावा गस ने लाइजा से कॉल पे ये भी बोला कि अब वो और ज्यादा लॉस एंजलिस में नहीं रहना चाहता। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो एलए के अंदर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। एंड इस टाइम तक उसने अपने नए प्रोजेक्ट हेलबॉय के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद नेडर, जो कि गस का एक फ्रेंड है, उसने ये बताया कि गस ने जो OMFG सॉन्ग लिखा था वो एक फोल्डिंग चेयर के ऊपर बैठ के लिखा था। एंड सच बताऊं तो ये गस का एक काफी हैवी ट्रैक है जिसमें वो खुद को मारने की बात करता है। एंड लिल ट्रेसी ने ये भी बताया कि गस जब इस गाने को रिकॉर्ड कर रहा था तो रूम के अंदर पहले से ही काफी सारे लोग थे और गस उनके सामने रिकॉर्डिंग करने लगा और तेज तेज चिल्लाने लगा। इसके बाद थोड़ा टाइम बीत गया और 11 अगस्त 2016 को गस ने फाइनली वो डील साइन कर ली, लेकिन 21 सितंबर 2016 को गस ने लाइजा को बताया कि वो रोज रोता है और तो ना ही तो वो यहाँ पे रहना चाहता है और ना ही काम करना चाहता है। एंड इसके अलावा लाइजा को ये भी पता चला कि जो गस का एक गाना है वी थिंक टू मच, जब वो रिकॉर्ड हुआ था उससे 2 दिन पहले गस ने खुद को क्लोजेट में बंद कर लिया था और वो काफी ज्यादा रो रहा था। वो क्लोजेट के अंदर रो तो रहा था लेकिन बिल्कुल साइलेंटली, ताकि बाहर अपार्टमेंट के लोग सुन ना ले। एंड इस चीज का रेफरेंस उसने अपने सॉन्ग वी थिंक टू मच में दिया भी है, जहाँ पे लिरिक्स के अंदर खुद गस कहता है आई जस्ट कीप इट टू माई सेल्फ एंड ट्राई नॉट टू क्राई टू लाउड। इसके बाद ये चीज भी पता चली कि जो हेलबॉय मिक्स टेप में सॉन्ग है इंटरलूड, उसका नाम पहले गुची शूज था और बाद में बदल के इंटरलूड कर दिया। इसके बाद सितंबर के ही महीने में गस ने जीबीसी को भी ज्वाइन कर लिया था, जो कि स्कीमा पोसी की तरह ही एक रैप ग्रुप है जिसकी फुल फॉर्म है गॉड बॉय क्लिक। इस ग्रुप के 2 आर्टिस्ट कोल्ड हार्ट और हॉर्सेट पहले से ही लिल पीप को साइन करना चाहते थे, लेकिन जब उन लोगों ने वीका फेस को इस बारे में बताया तो उसने मना कर दिया और उसने बोला कि गस तो बस एक फैन बॉय है। लेकिन क्योंकि पहले ही वीका फेस उसके साथ काम कर चुका था और उसके बाद उसने गस से बात भी करी एंड फिर उसे पता चला कि गस वाकई में टैलेंटेड है। जिसके बाद फाइनली गस ने भी जीबीसी को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद गस ने अपनी लास्ट मिक्स टेप रिलीज करी जिसका नाम था हेल बॉय। हेल बॉय के अंदर गाने थे जैसे OMFG, ड्राइव बाय और हेल बॉय। जैसे ये प्रोजेक्ट रिलीज हुआ तो साउंड क्लाउड के ऊपर इस पे मिलियंस में प्लेज आने लगे। गस की हेलबॉय टेप इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई कि वो इसकी वजह से स्प्रिंग 2017 में यूरोप के एक टूर पे भी गया था और 5 मई 2017 को उसने एलए में परफॉर्म किया। अगर तुमने उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री देखी है तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे क्या हुआ था। दरअसल जब वो हेलबॉय सॉन्ग परफॉर्म करने वाला था तो वो इतना ज्यादा ओवरडोज था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसने इस शो को पूरा किया, जिससे ये पता चलता है कि वाकई में वो एक प्रोडक्टिव जंकी था और वो किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज करेगा लेकिन कभी अपने काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसके बाद गस ने योटा स्पेस रशिया में भी परफॉर्म करा था, जहाँ पे उसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। 6 फरवरी 2017 को कैसल्स 2 रिलीज हुई जिसमें विच ब्लेड गाना भी था और इसकी म्यूजिक वीडियो गस के अपार्टमेंट के बाहर ही शूट हुई है, वो भी 0 बजट के साथ। लेकिन फन फैक्ट तो ये है कि ये गाना कुछ ज्यादा ही ब्लो अप हो गया। लेकिन इसके बाद मई 2017 के अंदर ही एक मिनरल नाम के बैंड ने गस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम मार दिया था, क्योंकि गस ने अपने एक सॉन्ग हॉलीवुड ड्रीमिंग में उनका सैंपल यूज किया था। अब क्योंकि गस कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रहा था तो गस और ट्रेसी के बीच में चीजें बिगड़ने लगी और इनका रिलेशन खराब होने लग गया। दरअसल इन दोनों के बीच में कभी कोई बीफ थी नहीं, लेकिन फिर भी इनके बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, क्योंकि जीबीसी के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर जो बंदा था वो था गस।
लोग जीबीसी के नाम पे बस गस को जानते थे और बाकी किसी को नहीं जानते थे। और तो और अगर तुम जीबीसी के किसी भी मेंबर का कोई भी गाना देखोगे जो मोस्ट पॉपुलर है वो गस के साथ ही है। यहाँ तक कि ट्रेसी के भी ज्यादातर पॉपुलर गाने गस के साथ ही हैं, जिस वजह से ट्रेसी को ऐसा लग रहा था कि वो बस एक साइड हीरो बन के रह गया है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में डिस्ट्रैक्शन आ गया। और तो और बल्कि ट्रेसी ही नहीं बल्कि जीबीसी के जितने भी आर्टिस्ट है और उनका जो भी पॉपुलर गाना है वो सिर्फ गस के साथ ही है। जैसे हॉर्सहेड का गाना गर्ल्स है वो गस का ही गाना है। इसके अलावा जो कोल्ड हार्ट का मोस्ट पॉपुलर गाना है मी एंड यू उसमें भी गस है। एंड इसके अलावा जो एब्सोल्यूट इन डाउट गाना है जो कि वीका फेस के साथ है वो भी काफी पॉपुलर है, लेकिन वो भी गस का ही गाना है और वीका फेस बस फीचर है। तो जीबीसी में जो एक ही बंदा सबसे ज्यादा पॉपुलर था वो था गस और बाकी लोगों को लोग उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे। इसके अलावा जो एक प्रॉब्लम जीबीसी के अंदर मुझे दिखाई देती है वो ये है कि जब भी कोई आर्टिस्ट गस के साथ गाना बनाता था तो वो ज्यादातर गस के फ्लो में उस गाने को गाता था। तुम्हें बिल्कुल कुछ भी अलग दिखाई नहीं देगा, जिस फ्लो में गस गाना गा रहा है उसी फ्लो में दूसरा भी आर्टिस्ट गाना गाने लगता था। एंड ये एक प्रॉब्लम नजर आती है मुझे जीबीसी के अंदर, जिस वजह से शायद दूसरे लोग उन्हें उतना अप्रिशिएट नहीं करते। बाकी तुम्हारे अलग ओपिनियन हो सकते हैं। इसके बाद फाइनली गस का टूर खत्म हो गया और 21 मई 2017 को गस ने ट्विटर पे ट्वीट करा कि वो बैक्सी के साथ 2 दिन के लिए लंदन जा रहा है और उसके साथ स्मोक एसिक भी है। लंदन में मूव होने के बाद गस आई लव मकोनन से भी मिला, जहां पे उसने कम ओवर व्हेन यू सोबर पार्ट 1 और पार्ट 2 रिकॉर्ड करे थे और गॉथ एंजल सिनर ईपी भी रिकॉर्ड करी थी। इसके अलावा जो 4 गोल्ड चेन्स की म्यूजिक वीडियो है वो भी यहीं पे शूट हुई थी। और तो और गस और आई लव मकोनन ने मिलकर डायमंड एल्बम भी रिकॉर्ड करी थी जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुई। इसके बाद फाइनली 15 अगस्त 2017 को गस की कम ओवर व्हेन यू सोबर एल्बम रिलीज हुई, जिसने बिलबोर्ड चार्ट्स में 38 नंबर पिक करा। इसके अंदर सॉन्ग्स थे लाइक ऑफुल थिंग्स जिसमें लिल ट्रेसी फीचर था, इसके अलावा बेटर ऑफ डाइंग, प्रॉब्लम्स, यू सेड, बेंस्ट्रक, ब्राइट साइड और सेव दैट शिट। ब्राइट साइड और बेंस्ट्रक तो पहले ही वीडियो के साथ सिंगल रिलीज हो गए थे, लेकिन थे वो इस एल्बम के ही गाने। उसका म्यूजिक करियर तो अच्छा खासा चल ही रहा था, लेकिन इसके अलावा गस फैशन में भी काफी अच्छा है। फैशन में अच्छा होने की वजह से गस मॉडलिंग भी करता था, जिसके लिए उसने अलोन के साथ पार्टनरशिप भी करी थी और उसको पेरिस के एक फैशन शो में भी बुलाया था। एंड इस फैशन शो के अंदर मशीन गन कैली भी आया था और मजे की बात तो ये है कि ये दोनों एक साथ ही बैठे थे, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए। उसके बाद प्लेबॉय कार्टी ने बोला कि लिल पीप एक ट्रेंड सेटर है और उसका स्टाइल काफी अच्छा है। 2016 से ही गस जिस तरह का स्टाइल लेके आ रहा था वो काफी अलग था। वो ज्यादातर फर और ग्राफिटी हुडीज पहनता था। इसके अलावा उसने अपने GQ के इंटरव्यू में ये भी बोला था कि वो कभी भी एक हफ्ते तक सेम ड्रेस नहीं पहनता। इसका मतलब साफ है कि अगर तुम आज गस से मिलते हो तो जैसा वो दिख रहा है एक हफ्ते बाद वो बिल्कुल अलग दिखेगा। वो अपना स्टाइल बार बार चेंज करता रहता है। और तो और इसी टाइम पे गस ने अपनी नो स्मोकिंग क्लॉथिंग लाइन भी डेवलप कर ली थी, लेकिन वो उस टाइम पे रिलीज नहीं हुई थी। अगर बात करें गस के आइडल की तो वो है कर्ट कोबेन, और गस ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला था कि वो न्यू कर्ट कोबेन बनना चाहता है। बेसिकली गस अपने म्यूजिक के थ्रू जिन लोगों को टारगेट करता है वो लोग हैं जो ज्यादातर या तो डिप्रेशन में रहते हैं या फिर एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है जिन्हें। इसके अलावा उसके सॉन्ग्स रिलेशनशिप इश्यूज को भी उठाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये बात समझ नहीं पाते और उनको लगता है कि गस कोई टैलेंटेड नहीं है। अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है कि वाकई में गस टैलेंटेड था। एनस्टीज का प्रूफ ये भी है कि गस अगर अपने गानों में ऑटोट्यून यूज ना भी करे तब भी उसकी रॉ वोकल्स भी काफी अच्छी हैं। और अगर तुमने उसकी कोई लाइव परफॉर्मेंस देखी है तो तुम इस बंदे को जरूर जानते होगे। इस बंदे का नाम है योन्स। ये गस के शोज में डीजे चलाने का काम करता है और इसकी एक आदत जो मुझे बहुत अच्छी भी लगती है और बहुत बुरी भी, वो ये कि जब भी गस कोई गाना परफॉर्म कर रहा होता था तो ये उस गाने को बीच में ही रोक देता था। अब जरा सोच के देखो कि तुम 1000 लोगों के सामने गाना गा रहे हो और अचानक से गाना बंद हो जाए तो क्या तुम गाना गा पाओगे? लेकिन गस इस चीज में काफी एक्सपर्ट था और ये तुम उसके लाइव परफॉर्मेंस में देख सकते हो। अगर तुम्हें उसके हाई नोट्स चेक करने हैं तो तुम उसका गाना सुनना मूविंग ऑन, और इसकी लाइव परफॉर्मेंस देखना जो उसने रोलिंग लाउड मायामी में दी थी, और ये लाइव परफॉर्मेंस ओपी है। अब गस की इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि गस अगर इतना ही अच्छा है तो लोग उसको इतना हेट क्यों करते हैं? तो इसके पीछे भी कुछ रीजंस है जो मुझे लगते हैं, तुम्हारे कुछ अलग भी हो सकते हैं लेकिन जो मुझे लगते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूं। तो जो उसको हेट करने के पीछे सबसे पहला रीजन है वो ये है कि वो बायसेक्सुअल था, एंड ज्यादातर लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते भले ही तुम इंटरनेट पर इस चीज से रिलेटेड कितनी भी सपोर्ट देख लो। और जो सेकंड रीजन मुझे लगता है वो ये लगता है कि गस क्योंकि अपने टाइम के हिसाब से बहुत अलग पहनता था, जो उसका स्टाइल है वो उसके टाइम से काफी ज्यादा आगे था। एंड एक तीसरा रीजन जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है वो ये लगता है कि गस अपने गानों में ज्यादातर डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल थॉट्स के बारे में बात करता था, एंड ज्यादातर लोग इस चीज को नेगेटिव वे में ले लेते हैं। इसके अलावा अगर तुम गस को और करीब से फॉलो करते हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि गस XXXTentacion से भी मिलने वाला था, जहां पे गस का जो कलेक्टिव था स्कीमा पोजी उनका शो होने वाला था XXXTentacion के साथ, लेकिन गस ने फ्लाइट मिस कर दी थी।
अब इस टाइम तक गस की मेंटल हेल्थ कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी और वो इस बारे में इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट भी करता रहता था। और गस ने ये भी बताया था कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर बेसिकली एक मेंटल डिसऑर्डर है, बिल्कुल डिप्रेशन की तरह, जिसमें इंसान के एक्सट्रीम मूड स्विंग होने लगते हैं। कभी सैड तो कभी हैप्पी। इसके अलावा गस से उसके एक इंटरव्यू में पूछा था कि क्या वो सुसाइडल है, तो उसने बोला हाँ वो सुसाइडल है और उसकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा वीक है। कभी कभार तो चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ जाती थी कि गस जब सुबह सो के उठता था तो उसका मन करता था वो उठा क्यों, काश वो मर जाता। एंड उसने ये भी बताया कि इसलिए वो कैलिफोर्निया में मूव हुआ था। एंड अकॉर्डिंग टू गस, उसको लगता है कि उसके ब्रेन में कोई केमिकल इम्बैलेंस है। एंड किसी किसी दिन तो वो इतना ज्यादा डाउन फील करता था कि उसका किसी से बात तक करने का मन नहीं करता था, लेकिन अपनी ये साइड बस वो अपने म्यूजिक के थ्रू ही एक्सप्रेस करता है। एंड इसके अलावा अपने फाइनल इंटरव्यू में ज़ेनलो के साथ गस ने ये भी बताया था कि अब उसके डिप्रेशन के साथ साथ उसका ड्रग एडिक्शन भी बढ़ गया है और वो ज़ेनेक्स के साथ साथ कोकेन, एस्टेसी और फेंटनल जैसी भी ड्रग्स लेता है। एंड वो अपनी ऑडियंस को ये भी कहता था कि उन्हें ड्रग यूज नहीं करनी चाहिए। इसके बाद 2 अक्टूबर 2017 को कम ओवर व्हेन योर सोबर टूर स्टार्ट हुआ, जो कि 30 से भी ज्यादा सिटीज के अंदर होने वाला था। इस टूर के लिए गस की मैनेजमेंट कंपनी ने एक वुमन को हायर करा जिसका नाम था बेलिंडा मर्सर। और तुमने इंटरनेट पे ये भी सुना होगा कि इस टाइम पे गस जीबीसी को छोड़ रहा था। दरअसल गस की जो मैनेजमेंट कंपनी थी वो उसको जीबीसी से दूर रखना चाहती थी और वो लोग नहीं चाहते थे कि जीबीसी का कोई भी मेंबर इस टूर में आए। और इस चीज के बारे में फैटनिक ने एक वीडियो भी बनाई थी, जो कि गस का ही एक फ्रेंड है और एक सिंगर भी है। लेकिन फिर गस ने अपनी मैनेजमेंट कंपनी से रिक्वेस्ट करी और जीबीसी के कुछ आर्टिस्ट को अपने टूर पे लेके आया, लेकिन इसमें ट्रेसी नहीं था। बेलिंडा के टूर पे आने के बाद काफी चीजें बदल गई। यहाँ पे गस पहले मिनी वैन के थ्रू टूर करता था, अब वो मिनी वैन एक ऑफिशियल टूर बस बन गई थी। इसके बाद कम ओवर व्हेन योर सोबर टूर स्टार्ट होने लगा, जहाँ पे इन्होंने अपनी टूर बस के अंदर सारा सामान रख लिया जो इन्हें चाहिए था, इंक्लूडिंग ड्रग्स। ये टूर स्टार्ट हुआ था सिएटल से और खत्म होने वाला था सेंटा एना में। इस टूर के शुरू होने के बाद गस का बिहेवियर काफी ज्यादा बदल गया था। अगर गस के साथ के लोगों की बात माने तो गस के जो 7 लोग थे उन लोगों ने बताया कि गस कभी कभार ही बस से बाहर निकलता था और वो फूड भी काफी कम खाता था, बस पूरे दिन बस के अंदर लेटा रहता था। 25 अक्टूबर 2017 को गस की टूर बस कैनेडियन अमेरिकन बॉर्डर से गुजर रही थी, लेकिन वहाँ पे पुलिस वालों ने इनकी बस को इन्वेस्टिगेशन के लिए रुकवा लिया। पहले तो टूर बस के अंदर सबको लगा कि चीजें काफी नॉर्मल है और ये लोग जल्दी चलने लगेंगे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने बेलिंडा को साइड में बुलाया और इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। तब जो पुलिस के पास डॉग्स होते हैं उनको बेलिंडा के अंदर से ड्रग्स की स्मेल आने लगी। इस टाइम पे गस ने अपने गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट करा कि वो 7 घंटे से कैनेडियन बॉर्डर पे अटका हुआ है और उसको लग रहा है कि उसके टूर मैनेजर को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस वालों ने टूर बस को तो जाने दिया लेकिन बेलिंडा को अपने पास ही रख लिया, जिसके बाद ये टूर बस जाके सीधा टोरंटो में रुकी, जहाँ पे गस ने परफॉर्म भी करा था, लेकिन यहाँ पे बेलिंडा नहीं गई थी। इसके कुछ टाइम बाद बेलिंडा को छोड़ दिया था, लेकिन उसके ऊपर फाइन लगा था $2,000 का, क्योंकि उसके पास ड्रग्स मिले थे इंक्लूडिंग केटामिन्स। इसके बाद 14 नवंबर 2017 को गस ने परफॉर्म करा एल पैसो में। वैसे तो ये शो कैंसिल होने वाला था क्योंकि गस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब चल रही थी, लेकिन उसके बाद गस ने एक वीडियो बना के अपने इंस्टाग्राम पे डाली, जहाँ पे वो अपने फैंस को बता रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। एंड उसके बाद गस ने एल पैसो में भी परफॉर्म करा। अब बस 2 शोज और बचे थे, एक था टूसोन एरिजोना में और एक था सेंटा एना में। November 2017 को गस की टूर बस जाके रुकी टूसोन एरिजोना में द रॉक के पास, जो कि एक वेन्यू है। दोपहर के 3:30 बजे तक गस आराम से टूर बस में सो रहा था और उसके बाद वो उठ के बाहर चला गया, जहाँ पे जाके वो अपने 2 फैंस से मिला और उनके साथ फोटो वगैरह भी खींची और काफी बातचीत भी करी। अपने फैंस से बात करने के बाद गस टूर बस के अंदर वापस आया और काउच के ऊपर सो गया। इसके 2 घंटे बाद बेलिंडा टूर बस के अंदर आई और उसने देखा कि गस सो रहा है। उसने उसको जगाने की कोशिश करी लेकिन गस उठा ही नहीं, जिस वजह से बेलिंडा वहां से चली गई। 15 मिनट बाद बेलिंडा एक बार फिर वापस आई और उसने गस को उठाने की कोशिश करी, लेकिन गस अब भी सो रहा था। इसके बाद बैक्सी टूर बस के अंदर आया, जैसे शो के अंदर ओपनिंग एक्ट करना था, और उसने भी देखा कि गस सो रहा है, जहाँ पे उसने गस की एक वीडियो भी बना ली और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर दिया। इसके बाद एक बार फिर बेलिंडा टूर बस के अंदर आई और उसने देखा कि इस बार गस के लिप्स ब्लू हो गए हैं। उसकी बॉडी पूरी तरह से अनरिस्पॉन्सिव है, वो किसी भी चीज का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और वो एक डीप स्लीप में सो चुका है। ये देखने के बाद बेलिंडा और बाकी सब ने इमीडिएटली 911 को कॉल करा। एंड इसके बाद बेलिंडा ने गस को फ्लोर पे लेटाया और सीपीआर देने की कोशिश करी, उसकी चेस्ट को प्रेस करना शुरू करा, लेकिन इस टाइम तक गस की डेथ हो चुकी थी। और दूसरी तरफ जीबीसी के मेंबर्स शो के अंदर परफॉर्म कर रहे थे। वो लोग वहाँ पे परफॉर्म इसलिए कर रहे थे ताकि ऑडियंस को इस बारे में पता ना चले कि गस के साथ क्या हुआ है। लेकिन 3 मिनट बाद जब वहाँ पे एम्बुलेंस आई और गस की बॉडी को ले जाने लगी तो फैंस ने ये सब चीजें नोटिस कर ली और ये देख के वो लोग क्रेजी हो गए, क्योंकि अगर किसी सेलिब्रिटी की डेथ घर में या फिर होटल में होती है तो लोग उस बारे में बस इंटरनेट पे डिस्कस कर पाते हैं, लेकिन गस की डेथ कॉन्सर्ट से पहले हुई थी तो सारे फैंस वहीं पे थे। जब फैंस को पता चला कि गस की डेथ हो गई है तो वो लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे और कुछ लोग तो वहाँ पे कैंडल्स भी जलाने लग गए।
और फैंस ने उसको वहीं पे ट्रिब्यूट करना शुरू कर दिया। और जब गस की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रख रहे थे तो कुछ फैंस ने उसकी फोटोज भी क्लिक कर ली, लेकिन उस टाइम तक गस की डेथ का कॉज अननोन था। जिसके बाद वहाँ पे मीडिया वाले पहुंच गए और मीडिया वालों ने एक फैन का इंटरव्यू लिया, जहाँ पे उस बंदे ने बताया कि गस पहले ही अपने म्यूजिक के थ्रू और सोशल मीडिया पे हेल्प मांग रहा था, लेकिन किसी ने भी ये सब चीजें नोटिस ही नहीं करी। इसके बाद 8 दिसंबर को पीमा काउंटी मेडिकल एग्जामिनर वालों ने ये चीज डिक्लेयर करी कि लिल पीप का कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंटल जेनेक्स और फेंटेनल का ओवरडोज है। फेंटेनल बेसिकली ऐसा ड्रग होता है जिसे इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, लेकिन गस ने जो ड्रग्स ली थी वो आपस में मिक्स थी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है जेनेक्स एंड फेंटेनल ओवरडोज। इसके अलावा जब गस का मेडिकल टेस्ट हुआ तो उसमें भी ये चीज पता चली कि गस के अंदर अल्कोहल नहीं थी, लेकिन गस की डेथ के अगले ही दिन उसके 7 गाने रिलीज हुए, जिसमें से कुछ हैं कट माय सेल्फ, नेवरलैंड और टीयरिंग। गस की डेथ के बाद उसकी डेथ का एलिगेशन काफी लोगों के ऊपर लगने लग गया, इंक्लूडिंग मैकनेड, मराया बॉन्स और फर्स्ट टेक्सास एंटरटेनमेंट। अगर तुम्हें जीबीसी के बारे में पता है तो तुम इस बंदे को भी जानते होगे, इसका नाम है मैकनेड। गस की डेथ के बाद इस बंदे को काफी ज्यादा हेट मिला था, क्योंकि ज्यादातर लोगों का कहना था कि गस की डेथ में इसका बहुत बड़ा रोल है, और लोग ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि गस की जो मैनेजमेंट कंपनी थी वो उस टाइम पे वो टूर कैंसिल करवाना चाहती थी, जिस वजह से वो लोग चाहते थे कि गस जेनेक्स का ओवरडोज ले ले और ये टूर कैंसिल हो जाए। और मैकनेड को ये बात अच्छे से पता थी कि वो पिल्स लेस्ड हैं, लेकिन उसके बाद भी उसने गस को वो पिल्स लेने दी, इस वजह से लोग मैकनेड को काफी ब्लेम करते हैं। और लोगों का कहना ये भी है कि गस जब 4 घंटे से ओवरडोज में था तो किसी ने उसको उठाने की कोशिश क्यों नहीं की। और अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे लिल पीप डेथ तो तुम्हें एक वीडियो मिलेगी जहां पे लोग उसकी डेड बॉडी की वीडियो बना रहे हैं। तो फैंस ये भी कहते हैं कि जब ये लोग वीडियो बना रहे थे तो इन्हें दिखाई नहीं दिया कि गस की डेथ हो चुकी है। अब वो वीडियो तो मैं यहाँ पे प्ले नहीं करूंगा क्योंकि मैं गस की वैसे ही रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके अलावा मराया बॉन्स के ऊपर इसलिए एलिगेशंस लगे थे क्योंकि गस जब टूर बस में प्रिपरेशन कर रहा था तो जो दो फैंस उससे मिलने आए थे उसमें से एक मराया बॉन्स थी और एक निक डोव नाम का बंदा था, जहाँ पे जब गस ने इन लोगों से बात करी तो गस ने इन्हें बताया कि उसने पहले से ही 60 ग्राम रॉक्सी ले रखी है, और रॉक्सी भी एक तरह का ड्रग होता है जो कि प्रेस्क्राइब्ड पेन किलर है। मराया और निक से बात करने के बाद गस अपनी टूर बस में चला गया था, जहाँ पे निक ने यह भी बताया कि उसके बाद वो वहाँ पे लेट गया था और जहाँ पे उसे ओवरडोज भी हुआ था, एंड ये वही टाइम था जब गस डीप स्लीप में सो गया था। और उसके बाद क्या हुआ वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। इसके बाद गस का फ्यूनरल हुआ, जहाँ पे लाइजा ने बताया कि गस को उसके टीनेज इयर्स में जिस चीज ने सबसे ज्यादा हर्ट किया था वो ये था कि गस के जो फ्रेंड्स थे उनके पेरेंट्स ने गस को अपने घर में आने से मना कर दिया था, और वो लोग अपने बच्चों को गस से दूर रखते थे क्योंकि गस को काफी सारे एडिक्शंस थे। एंड ये सारी बातें पता चलने के बाद गस काफी रोने लगा और ये सारी बातें आके उसने लाइजा को बताई। इसके अलावा गस के फ्यूनरल पे उसकी टीचर ने ये भी बताया था कि गस को क्लासरूम में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो क्लासरूम में बिल्कुल भी शांत नहीं बैठता था, या तो वो अपना पैर जमीन पे पटकता रहता था या फिर हाथ से ढोल बजाता रहता था, जिसे देखने के बाद उसकी टीचर को लगता था कि शायद ये बच्चा बिना हेडफोन्स के गाने सुनने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा मार्च 2018 में कोलंबिया रिकॉर्ड्स को गस का आर्काइव मिला, जिसके बाद गस के कुछ गाने रिलीज हुए जैसे फोर गोल्ड चेन्स, फॉलिंग डाउन और सनलाइट ऑन योर स्किन। इसके अलावा मार्शमेलो के साथ भी एक गाना आया था जिसका नाम है स्पॉटलाइट, और इसके बाद डायरेक्टली रिलीज हुई कम ओवर व्हेन यू आर सोबर पार्ट 2, एंड पार्ट 1 की तरह ये भी ब्लो अप हो गई, जहां पे इसने नंबर 4 पिक करा था बिलबोर्ड 200 चार्ट्स में। इसके बाद गस की डेथ के पूरे 2 साल बाद गस की मदर लाइजा ने लॉस एंजलिस कोर्ट में जाके फर्स्ट टेक्सास एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, जो कि था रॉन्गफुल डेथ का। अगर मैं तुम्हें अपनी लैंग्वेज में समझाऊं तो रॉन्गफुल डेथ एक ऐसा लॉ सूट होता है, जैसे मान लो एक आदमी ड्रिंक करके कार चला रहा है और कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे बारटेंडर के ऊपर, क्योंकि उसको पहले से पता था कि अगर कोई ड्रिंक करके कार चलाएगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी उसने उसको ड्रिंक दी। ये बस मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, ये हर केस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन गस के केस में ये स्पेशली है फर्स्ट टेक्सास एंटरटेनमेंट के ऊपर। और मेनली जिन दो लोगों को टारगेट किया है उनमें से है सारा स्टेनेट और बिलिंडा मर्सर। सारा स्टेनेट गस की मैनेजमेंट कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव है और बिलिंडा उसकी टूर मैनेजर थी, जो कि गस की डेथ से पहले उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी थी। लॉ सूट के थ्रू ये भी पता चला कि एक बार डिनर के टाइम पे सारा ने गस को एक बॉटल गिफ्ट करी थी जिसके अंदर जेनेक्स थी, लेकिन इसके बाद मार्च में सारा ने एक आर्टिकल के थ्रू बताया कि जिस दिन गस की डेथ हुई थी उस दिन वो टूर बस के अंदर नहीं थी, और तो और उसने ये भी कहा कि उसने कभी गस को कोई ड्रग दी ही नहीं है, और जो पिल्स वो गस को देती थी वो इसलिए देती थी ताकि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो सके, ना कि खराब। जिसके बाद कोर्ट ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हुए ये बोला कि अगर तुम किसी को पिल्स दे रहे हो तो वो इलीगल है, स्पेशली अगर वो जेनेक्स है तो, और अगर फिर भी कोई जेनेक्स ले रहा है तो उसके पास कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन होनी चाहिए, जैसे कि नारकन, जिसे जब दिया जाता है जब किसी को ओवरडोज हो जाता है ताकि उसकी जान बच सके। वैसे तो ये कोर्ट केस अभी तक पूरा नहीं हुआ है और अब ये दोबारा शुरू होगा मार्च 2023 में, तो देखते हैं आगे क्या होगा। वैसे आई होप कि गस को जस्टिस मिल जाए। इसके अलावा 2020 में गस की एक एल्बम भी लीक हुई थी जिसका नाम है डायमंड, और इस बारे में मैं तुम्हें और डिटेल में बताऊंगा जब मैं लिल पीप का आइसबर्ग एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा गस की डेथ के बाद इंडस्ट्री के काफी पॉपुलर सेलिब्रिटीज ने उसे ट्रिब्यूट भी करा था, इंक्लूडिंग लिल उजी वर्ट, प्लेबॉय कार्टी, XXXTentacion और भी बहुत सारे। और 2017 में पिचफोर्क मैगजीन ने यह भी बोला था कि लिल पीप फ्यूचर ऑफ ईमो है।
सो गाइस ये थी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री लिल पीप की। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हारा कोई सजेशन है तो तुम कमेंट कर सकते हो, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो तुम वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, और बाकी सब्सक्राइब करना ना करना तुम्हारी मर्जी है।